हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आपने कहानी चैनल बनाया हुआ है या बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मोनेटाइजेशन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, जिसे आप मिस करते हैं तो आगे आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं कि कैसी वीडियो आप बनाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, कैसा थंबनेल बनाने पर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। क्योंकि आज एक सब्सक्राइबर ने मेरे कमेंट किया या मेरे इंस्टाग्राम पर उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तो उसके पीछे का कारण क्या था। कारण भी जनरली सभी लोग इस गलती को कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सभी को यह जानकारी जरूर देनी चाहिए जिससे आप भी उस गलती से बच सकें। उनका चैनल का मोनेटाइजेशन इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि उन्होंने छोटी सी दो कमियां की थी। वही दो कमियां लगभग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को डिटेल में जानकारी दिया जाए जिससे आप उस कमियों को दूर कर पाएं और अपने चैनल को मोनेटाइज कराने में आप सफल हो पाएं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने चैनल में यूट्यूब से रिलेटेड आपको सारी जानकारियां देते रहते हैं, तो मैं इस चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा कहानी चैनल से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो जाए यूट्यूब के बारे में और कैसी वीडियो चल रही, कैसी नहीं चल रही, कैसा आपको काम करना चाहिए, सब कुछ आपको मैं बताते रहता हूं। तो मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि ऐसी कहानी जो नॉर्मल कहानियां होती हैं वो इस समय डाउन हो चुकी हैं। डाउन होने के कारण उन पर बहुत कम व्यूज आने लगा था, तो मैंने कुछ ऐसे तरीके आपको बताए थे जिसके कारण आपके चैनल पर व्यूज बढ़े थे, बहुत सारे लोगों के वीडियो वायरल होने लगे थे उस तरह की स्टोरी बनाने में। वहां पर मैंने स्टोरी को चेंज करने के लिए बताया था, जिसको जिसने भी अप्लाई किया, चाहे जो भी जिसने भी जिस तरीके से अप्लाई किया, उनकी वीडियो 100% वायरल हुई और 3-4 महीनों से लगातार से अभी तक उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और जो भी ऐसा चैनल बना रहा है उनकी वीडियो वायरल हो रही है। तो यह कंटेंट कैसा था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप डबल मीनिंग वीडियो बनाएंगे, डबल मीनिंग स्टोरीज बनाएंगे तो आपकी वीडियो 100% वायरल जाएगी और मिलियंस व्यू जाते हैं, आपकी हर वीडियो वायरल हो जाती है। तो सभी ने अप्लाई किया, सभी को अच्छा रिजल्ट मिला, सभी अच्छा अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कमियाँ क्या हो रही हैं, सभी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ लेकिन आपके साथ शायद ऐसा हो सकता है, आप भी ये गलतियाँ कर सकते हैं डबल मीनिंग के चक्कर में। उन्होंने गलतियां क्या की थी यही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और उनके चैनल का इस वीडियो में नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ ऐसी वीडियोस दिखाने वाला हूं जो उस तरह का कंटेंट है। शायद उनका हो या ना हो इससे रिलेट नहीं है, लेकिन उसी तरह का उनका भी कंटेंट था जिसके कारण उनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ और सिर्फ दो ही वीडियो ऐसी थी उनके चैनल में या दो थंबनेल ऐसे थे जिसके कारण उनके चैनल को यूट्यूब ने रिजेक्ट कर दिया। और साथ ही मैंने उनको तरीके भी बताए कि आप फिर से अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या बदलाव आपको करना है जिससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, वो भी मैं आपको लास्ट में वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम उनकी गलतियों को देख लेते हैं कि उन्होंने गलतियां क्या की थी जिसकी वजह से उनका चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ। तो यहां पर मैं आपको साइड में दिखाते चलता हूं कि ऐसा थंबनेल ऐसा वीडियो वो बनाते थे जिसके कारण उनका चैनल जो है मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट हुआ। जनरली मैं आपको एग्जांपल के लिए कुछ ऐसी वीडियोस दिखाता हूं जो अच्छी होती हैं और वो आसानी से मोनेटाइज हो जाती हैं, जैसा कि यहां पे आप देख रहे होंगे कहानियां 2.0, जिनकी हर वीडियो अभी भी वायरल होती है और सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो होने वाला चैनल भी वो बन गया है अभी के टाइम। तो वैसा कहानी मैं आप सभी को बनाने के लिए कहता हूँ जो डबल मीनिंग होती हैं, लेकिन अभी मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस दिखाने वाला हूँ कि इनका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हुआ। आप देखकर ही समझ जाएंगे कि इन्होंने गलतियाँ क्या की थी और आप क्या या गलतियाँ कर रहे हैं ये भी आपको समझना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं उस चैनल पर ऐसा इस तरह का कंटेंट अपलोड किया जा रहा था, हालांकि उनके चैनल की वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था जो आप थंबनेल पर लिखा हुआ देख रहे हैं। ज़्यादा मैं यहाँ पे ओपन आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है, मेरे वीडियो पर भी ऐसा कुछ स्ट्राइक आ सकता है तो मैं वो चीज़ें ज़्यादा ओपन नहीं कर सकता। लेकिन एग्जाम्पल के कुछ ऐसा आप समझ लीजिए, कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही बोल्ड कुछ खुले शब्द जो होते हैं ज़्यादा ओपनली आपको नहीं रखना अपने थंबनेल में या वीडियो में, चाहे आपकी वीडियो में हो चाहे थंबनेल में आप यूज करते हैं कुछ ऐसा लिखा हुआ तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों का कम प्रयोग करके डबल मीनिंग वाला शब्द जैसे कहानियां 2.0 में होता है वैसा प्रयोग करें जिससे लोगों को यहां पे अट्रैक्शन भी और आपकी वीडियो पर व्यूज आए, आपकी वीडियो वायरल हो और जिससे यूट्यूब की गाइडलाइन को भी आपकी वीडियो फॉलो करे। ऐसे में आपको ध्यान देना, जब भी मैं डबल मीनिंग वीडियो बात करता हूं तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली सब कुछ यहां पे थंबनेल में रख दीजिए, वीडियो में रख दीजिए। इन्होंने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ नहीं
नहीं लिखा था, ऐसा कुछ शब्द नहीं बोला था, सिर्फ इन्होंने थंबनेल लगाकर यहाँ पे गलती कर दी, जिसके कारण इनके वीडियो पर व्यूज भी आया और यहाँ पे चैनल मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हुआ। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको ना ही अपनी वीडियो में ज़्यादा कुछ ऐसा शब्द लिखना है या वॉइस का प्रयोग करना है, ना ही थंबनेल। यदि आप सोच रहे हैं कि हम वीडियो नहीं बनाएंगे, ऐसा वीडियो में कुछ नहीं लिखेंगे, थंबनेल को लगाकर हम व्यूज को कैच करेंगे, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब आपके थंबनेल को भी देखता है। अगर थंबनेल भी आपका सही नहीं रहेगा, चाहे आपकी वीडियो कितनी भी अच्छी हो, थंबनेल आपका ऐसा होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा गलती कर चुके हैं तो आपको करना क्या है, अगर आपका वीडियो सही है, थंबनेल में ही आपने कुछ अलग लगा दिया है, तो थंबनेल को आप चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद या वीडियो में अगर आपने ऐसा कुछ बोल दिया है तो वीडियो को आप डिलीट करने के बाद ही अपने चैनल को मोनेटाइज करा पाएंगे। तो ऐसे में आप सबसे पहले वीडियो को डिलीट कर दीजिए, यदि आपने ऐसा कुछ बनाया है तो। यदि आप इसको करने के बाद चैनल को मोनेटाइज कराते हैं तो आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और आपको ध्यान देना है कि ऐसी वीडियोज आप ना बनाएं जो एकदम ओपनली हो और डबल मीनिंग से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो डबल मीनिंग हैं और उनका वीडियो मोनेटाइज है, चैनल आज भी अच्छा खासा चल रहा है, जैसे कहानियाँ 2.0 ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप सभी के लिए है। ऐसा कहानी आप बनाएं जो अट्रैक्ट तो करें ही लोगों को और अच्छा भी लगे, कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा भी ना हो। दोस्तों अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।